हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू NWD। आज हम करंट अफेयर के बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है मंकी पॉक्स। अच्छा, ये मंकी पॉक्स क्या होता है? तो मंकी पॉक्स एक तरह का वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि वायरसेस के बॉडी में आने की वजह से होती है। अगर आपको जानना है कि वायरस की वजह से और कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो उस पर मैंने एक पहले ही लेक्चर क्रिएट कर रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्प्रेड कैसे होता है? तो ये कि जूनोटिक स्पिल ओवर की वजह से इसका स्प्रेड होता है। जूनोटिक किसको बोलते हैं? तो जूनोटिक जब भी कोई एनिमल, ठीक है, एनिमल जो है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए, एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है, इसका स्प्रेड बेसिकली होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पोटेंशियल रिजर्वोयर कौन कौन है, मतलब इसको कौन कैरी करते हैं अपने साथ? तो रोडेंट्स, रोडेंट्स वो एनिमल्स जिनका आप देखते होंगे आगे टू टीथ रहते हैं, जैसे रैट हो गया, रैबिट, माउस, या प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जैसे कि मैमल्स, मैमल्स में कौन? एप्स, चिंपैंजी, इवन वी ह्यूमंस। हाँ, सच में वी ह्यूमंस ऑल्सो आर अ पोटेंशियल रिजर्वोयर ऑफ मंकी पॉक्स, ठीक है। इसका पहला केस कब रिपोर्ट किया गया था? 1970 में, कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। इसका ट्रांसमिशन कैसे? अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं किसी भी इंफेक्टेड फ्लूड या लीजन से, तो आपको ये हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं जब आप पहली बार एक्सपोज हुए उस इंफेक्शन से, और जो टाइम पीरियड इन बिटवीन जब आपको पहला सिम्टम उसका दिखाई देना शुरू हुआ। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है मंकी पॉक्स के लिए, ये 6 से 13 दिन है, या ये रेंज करता है 5 to 21 days के बीच में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कि अगर आपको ये हो जाए तो कैसे पता लगाएंगे। तो ये जो मंकी पॉक्स है, ये जब होता है तो आपको सबसे जो इनिशियल सिम्टम्स हैं या इम्पोर्टेंट, वो है स्किन रैश या म्यूकोसल लीजन, मतलब म्यूकस एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये लीजन्स हैं और उसमें म्यूकस भरा रहेगा, ठीक है, ये इसका सिम्टम है। फीवर भी आएगा आपको, रैश, स्वेलन लिम्फ नोड्स भी हैं, ठीक। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं हुआ है इस इन्फेक्शन का, ठीक है। हम जानेंगे थोड़ा ये न्यूज में क्यों रहा। न्यूज में रहा एक कंट्रोवर्सी के वजह से, क्योंकि अभी तक ही मतलब इसके जो ओरिजिनेट ये जो हुआ है, इसका कुछ खास पता नहीं लग पाया है कि किस कंट्री से हुआ है। पर्टिकुलर वेरियस सारे बहुत सारे फोकसेस हैं, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये न्यूज में रहा मंकी पॉक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज। एक तरह का चैलेंज हुआ था हिमालयन रीजन में। हिमालय किस रीजन में? गढ़वाल हिमालयन रीजन, ये उत्तराखंड में आता है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मैप लगा रखा है उत्तराखंड का। ये जो पूरा ग्रीन एरिया है इसी को गढ़वाल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये चैलेंज हुआ, बेसिकली ये चैलेंज था फिजिकल कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए, कि हिमालय जैसे टफ सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए तो सर्वाइवल के लिए कितनी हार्ड फिजिकल कैपेबिलिटी है एक ह्यूमन की, ठीक है। किसने किसने इसको, इस चैलेंज को करवाया था? तो इंडियन आर्मी ने इन कोलैबोरेशन विद कंकर लैंड एंड वाटर क्लॉ ग्लोबल की हेल्प से इसको जनवरी 14 को देहरादून में, ये देहरादून एरिया है, यहाँ पे इसको करवाया गया था। किस मौके पर? तो 128th रेजिंग ईयर जो है वो है 9 माउंटेन ब्रिगेड का, उसके मौके पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। क्या एम था इसका? इनेबल करना लाइफ स्किल ट्रेनिंग को और यूथ डेवलपमेंट को, मतलब माउंटेनियरिंग एंड एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स, वो सब हो। थोड़ा इसको और खुल के समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हुए थे उसको हम जानेंगे। यहाँ पे एक इंटरनेशनल चैलेंज था जिसमें पोटेंशियल को दिखाया गया एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म का इंडियन हिमालयाज में, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है जिसको OTT प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया जाएगा। ग्लोबल परसेप्शन को भी चेंज करने का कोशिश किया गया है, इसमें शोकेस किया गया है बॉर्डर एरियाज को, ठीक है, कि वो इंटरनेशनल टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कितना अच्छा डेस्टिनेशन है, ठीक है। R&D के भी पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा लोकेशन हो जाता है, और हिमालयन बायोम्स को भी लेकर यहाँ पे एक एम्फेसिस डाला गया है। बायोम्स मतलब क्या होता है? जब किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे ये एक माउंटेन इकोसिस्टम है, उसमें जो कम्युनिटी रह रही है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक
ठीक है, उसको ही बोलते हैं हिमालय मतलब बायोम। ठीक है, तो इसको इसकी फाउंडेशन करने की भी कोशिश की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम थर्ड की तरफ पढ़ते हैं, जो है हमारा व्हाट इज आर्माडो। ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको जानने से पहले मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी। ये हमारी ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी व्हीकल है, जो अगर किसी वॉरफेयर में हमें जाना है, किसी बॉर्डर एरिया में जाना है, तो हम इसको यूज करते थे पहले। अच्छा, इसमें क्या है, क्या होगा अगर इसमें कोई बॉम्ब फेंक दिया जाए या कोई भी एक्सप्लोसिव यहाँ पे डाल दिया जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ व्हीकल डैमेज होगा या फिर इसके अंदर मतलब जो आर्मी ऑफिशियल है उनकी डेथ नहीं होगी। तो इसको लेते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने कुछ लिया। कुछ आत्मनिर्भर भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसको लेके जो मतलब प्राइवेट बॉडीज हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया। तो इसको लेके महिंद्रा ग्रुप आगे आई है और उसने क्या किया है, डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है आर्माडो की। ठीक है, आर्माडो का क्या फुल फॉर्म है, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ASLV। ठीक है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया है स्पेशली। ठीक है, अब इसकी कुछ स्पेशलिटी या इसका क्या मतलब वो है जिसके वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हम समझेंगे। ये बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये ऑल साइड से प्रोटेक्टेड है किसी भी एक्सप्लोसिव के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 12 सेकेंड के अंदर ये जो स्पीड है वो एक्सेलरेट कर सकता है 0 to 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा दूध संकलन साथी ऐप। ठीक, ये क्या है, एक तरह का मोबाइल ऐप है। समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये मोबाइल ऐप। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको डिजाइन किया है, डिजाइन एंड डेवलप अगर बोले तो, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने रील, जो एक तरह की मिनी रत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर। अच्छा, मिनी रत्न क्या होता है, थोड़े समझे हम क्या। तो ये एक कैटेगरी ऑफ PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट बॉडी ने इसको ले रखा है। तीन तरह की ऐसी PSUs होती हैं, पहली होती है महारत्न, दूसरी नवरत्न और तीसरी मिनी रत्न। महारत्न वो होती है जिसका एनुअल प्रॉफिट जो अगर आप देखें तो वो 2,500 करोड़ होता है। और जो नवरत्न होती है इसका ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता है, और मिनी रत्न का 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता है। मतलब ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट ईयरली गवर्नमेंट को देती है। अच्छा, क्या एम था इस ऐप को बनाने का, क्वालिटी ऑफ मिल्क को इम्प्रूव किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए स्टेक होल्डर्स के लिए, और दूसरा क्या है, जितने भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच एक स्मूथ ऑपरेशंस हो सके ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, अच्छा ये जो सर्विस है, ये दूध संकलन साथी ऐप, वेरियस लैंग्वेजेस में इसमें सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर्स को इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, तेलुगु है एंड अदर लैंग्वेजेस। क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो हमारे हेवी इंडस्ट्रीज के, उन्होंने मसूरी उत्तराखंड में इसका इनॉग्रेशन अनवील कर दिया है। नेक्स्ट ऐप के तरफ बढ़ते हैं, यह जापान जो है उसने क्या किया है, इसने रीडिफाइन किया है दो चीजों को, एक तो एज ऑफ कंसेंट को और दूसरा डेफिनेशन ऑफ रेप को। ठीक है, तो जो ये एज ऑफ कंसेंट है उसको समझते हैं। कंसेंट किसको बोलते हैं हम, परमिशन को। ठीक है, कि जब भी आप किसी चीज को परमिट करते हैं तो जो पहले एज ऑफ कंसेंट था वो था 13 ईयर्स, और उसको बढ़ा के अब 16 ईयर्स ओल्ड कर दिया गया है। क्यों किया गया है, जो भी वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उसको सेफ गार्ड किया जा सके। ठीक है, इंश्योर किया जा सके वेलबींग एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज यंग इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसने रेप की भी डेफिनेशन को चेंज किया है। हम समझते हैं क्या किया है, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो जो इसकी पहले डेफिनेशन थी वो थी लॉ के हिसाब से जो इसकी थी, कि अगर आप जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली अगर आप करते हैं तो ही उसको रेप बोला जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो नई डेफिनेशन आई है रेप की, ठीक है, उसके वजह मतलब जो नई डेफिनेशन है उसको कहते हैं नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि सिर्फ फोर्सफुली ही नहीं, फोर्सिबल ही नहीं,
अगर कोई महिला है जो कि शादीशुदा है और उसके हस्बैंड भी उसके कंसेंट के बिना सिर्फ अपना हक समझ के अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कोर्स में उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो भी एक तरह की रेप ही है, ये जापान की गवर्नमेंट कहती है। तो नाउ जापान हैज चेंज दीज टू थिंग, ठीक है? तो इसलिए ये न्यूज में रहा और हमारा मतलब सोशल इशू में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है MQ-9 रीपर ड्रोन के डील को US के साथ। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे की टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा ड्रोन को समझेंगे, ड्रोन क्या होता है। तो ये जो ड्रोन है हमारा, ये है हमारा मतलब ट्रेडिशनल ड्रोन जो होता है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर में एक कैमरा डाला जाता है, ये लैंडिंग गियर होता है अगर लैंड कराना है आपको इसको तो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक्लोमीटर्स होते हैं, रोटेटर्स होते हैं, ये मोटर्स हैं जो इसको घुमा रहे हैं या इसको चलने में हेल्प कर रहे हैं, और कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई जैसी चीजें भी यहाँ पे डाली हुई रहती है, ठीक है? ताकि रिमोट से इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक ट्रेडिशनल ड्रोन है जो कि इसी तरीके से काम करता है। तो इस ट्रेडिशनल ड्रोन को ऑफिशियल नेम अगर इसका देखा जाए तो वो है अनमैंड एरियल व्हीकल, मतलब बिना इंसान का एक एरियल व्हीकल है ये। अच्छा, मिलिट्री इसको क्या बुलाती है? मिलिट्री इसको बुलाती है अनमैंड एरियल सिस्टम। मिलिट्री ने क्या सोचा कि अगर मतलब जो मिलिट्री है या जो गवर्नमेंट है उसने ये चीज सोचा कि जो पहले ये ड्रोन है मिलिट्री में उसका ये यूज होता था कि अगर मिलिट्री कहीं लड़ने जा रही है तो आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं, कोई दुश्मन तो नहीं है, उसको देखने के लिए ड्रोन्स को आगे भेजते थे। तो मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ने ये बात सोची कि सिर्फ हम रास्ता देखने के लिए ड्रोन का क्यों यूज करें, क्यों ना ऐसा करें हम कि ये जो ड्रोन है वो ही जो टारगेट है या जो दुश्मन है उसको जाके हिट करके आए। अगर इन केस उसमें अगर ये हिट भी हो जाता है तो किसी भी आर्मी ऑफिशियल की जान का कोई वो नहीं होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो नई डिजाइंड है ड्रोन, उसमें यहाँ पे आप देखिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको भी, या एक्सप्लोसिव है उसको इसमें नीचे फिट किया जाता है। यहाँ आगे कैमरा लगाया जाता है, ये नेटवर्क के लिए है जिससे रिमोट से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये न्यू वर्जन है। अच्छा, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी आपने सुना होगा कि जो US है उसने जो तालिबान का जो लीडर था, ठीक है, अभी न्यूज में बहुत रहा, अल जवाहरी, उसको ड्रोन की ही हेल्प से मार गिराया, ठीक है? मोर ओवर यही ड्रोन्स जो हैं यूएसए के, वो बहुत सिरदर्द रहे रशिया के लिए क्योंकि उसने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है और कोई भी अगर उसके स्पेस में जाता है तो वो ड्रोन के हेल्प से उसको मार रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये अभी करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हुए जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो यूएस के साथ एक डील साइन कर ली है। सो ये थे आज के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।